जलद गति ने विकास करना की गैरंटी नरेंद्र मोदी उत्तर मुंबई उत्तर मुंबई ना उत्तम मुंबई बनने की गैरंटी पीयूष गोयल पीयूष गोयल अपना आशीर्वाद घेने प्रिय मतदार बंधु भगिनी लक्षात ठेवा 20 तारीख हे देशाचं भाग्य बदलणारी तारीख आहे। या दिवशी आपण सकाळी लवकर घरात कमळाच्या फुलाच्या बांधा बनन दाबून पीयूष गोयलांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा अशी विनंती करण्यासाठी त्यांच्या सोबत आहे शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस मनसे आरजे भाजपा सर्व पक्षाचे पदाधिकारी छत्रपती शिवाजी महाराज की शिवसेना शाखा क्रमांक 4 करते शाखा प्रमुख कुणाल ठाकूर प्रचार यात्रा में आप आज शामिल हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगी जनता से, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट से ममता शर्मा, माननीय श्री छगन भुजबल साहेब और समीर भुजबल जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं उनके मार्गदर्शन में पीयूष गोयल जी के साथ महायुति के मोदी जी के समर्थन में आज चुनाव में मेरे टीम के साथ उतरी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ जनता को, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस को समझो, कांग्रेस पार्टी क्या है। कांग्रेस पार्टी 1947 में जब देश की आज़ादी बनने के बाद भारत देश के टुकड़े थी, उसके बाद JNU में, बंगाल में और लालू यादव जो चारा घोटाला किए हैं और 2G घोटाला और 70 साल तक भारत को खोखला करने का काम कांग्रेस ने किया है। ऐसे कई घोटाले के बाद भी ये किस मुंह से वोट मांगने आते हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल अभी राज किए उनका एक घोटाला बताइए, एक घोटाला। और मुंबई में पीयूष गोयल जी जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, BJP के उम्मीदवार हैं, वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रेलवे मंत्री, ऊर्जा मंत्री, और वो खुद विदेशों में जाके हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीयूष गोयल जी को जनता भारी मतों में विजयी बनाए और कांग्रेस तो वैसे भी इस बार उसका कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और अब की बार घोषणा पत्र को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आपने क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर तो यही लगता है कि जैसे पिंजरे में चूहे को फंसाने के लिए एक चारा डाला जाता है और बाद में उसको फंसा के मार दिया जाता है, तो उनका कांग्रेस का घोषणा पत्र बिल्कुल ऐसे ही है। 70 सालों में क्या किया, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, एक झटके में। तो 70 साल तक क्या कर रही थी कांग्रेस, राम को काल्पनिक बनाते हैं, बताते हैं, कृष्ण को मानते नहीं है, महाराष्ट्र के वीर सावरकर को कहते हैं कि वीर सावरकर गलत हैं। तो ऐसे कांग्रेसी हिंदू विरोधी घोषणा पत्र लेकर आए हैं और हिंदू विरोधी हैं, और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कांग्रेस का सफाया इस बार होने वाला है और मोदी सरकार इस बार चुनकर आ रही है। अब की बार, अब की बार।